जी भाभी, मैंने घर में बात कर ली है, जोया के रिश्ते के लिए किसी को एतराज नहीं है। अरे ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है, फिर देर किस बात की, बस जल्दी से अपनी अम्मी अबू से बात करो, रिश्ता भेजो। जी बिल्कुल, मैं अभी अम्मी से बात करता हूँ। ठीक है, लेकिन मोहसिन अब मजीद देर नहीं होनी चाहिए। जी भाभी बिल्कुल। थैंक यू सो मच भाभी, आप दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी हैं। अच्छा, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं। तो पता है, तुम मुस्कुराती भी बहुत अच्छी लगती हो। लेकिन भाभी, अम्मी का क्या करेंगे अगर उन्हें पता चला कि वो मोहसिन की फैमिली है? तो वो बगैर कोई बात सुने उन्हें जलील करके घर से निकाल देंगी। खुदा पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। और वैसे भी ये सब मैं आंटी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारी और मोहसिन की मोहब्बत के लिए कर रही हूँ, क्योंकि तुम दोनों की मोहब्बत वाकई बहुत मासूम और सच्ची है। मुझे आप पे पूरा यकीन है भाभी। वैसे आप कामिल भाई से नाराजगी छोड़ देना, आप दोनों को एक दूसरे से खफा देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। अब आपकी शर्मिंदगी या माफी उन तमाम इल्जाम को नहीं मिटा सकती। अब फिर छड़े नाटक, क्या कुछ कहा आपने, मेरे वजूद को छलनी कर दिया आपने, और वो एक एक लफ्ज मेरे अंदर मौजूद है। मैं तो कहती हूँ इससे अच्छा था जान से मार देते आप मुझे, कम से कम इस अजाब से तो ना गुजर रही होती ना मैं। भी यकीन नहीं हो, आपने मेरे किरदार पर शक किया। रूमी, मैं कसम खा के कहता हूं, मैंने आज तक तुम पे शक नहीं किया, सिर्फ मोहब्बत किया तुमसे। रूमी, झूठ, साफ झूठ। मोहब्बत की होती ना तो एक बार मेरी बात सुनने की कोशिश जरूर करते। जी जी आइए, प्लीज बैठिए। कैसे हैं आप लोग? बस अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। और शगुफ्ता नजर नहीं आ रही? जी वो अंदर है, मैं बुला कर लाती हूँ। वैसे मोहसिन खुद नहीं है आप लोगों के साथ? मोहसिन? कौन मोहसिन? एक सेकंड, आप लोग मोहसिन के वालदैन हैं ना, जोया का रिश्ता लेकर आए ना आप लोग? जी नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, हम मोहसिन को तो नहीं जानते, हम तो इन्हें मैंने बुलाया है, ये कामिल के रिश्ते के लिए आए। हाँ, ये आप क्या कह रही हैं आंटी? हाँ, तुम ना कामिल को औलाद दे सकती हो ना कोई सुख। हेलो नजमा आंटी, साल फोन कर। कैसी हैं आप? बैठिए ना। शुक्रिया बेटा। ये नजमा आंटी है मेरी मदर इन लॉ, जिनके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था ना, कामिल की मदर है। भाभी, भाभी भाभी, सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल।
थैंक यू कामल, ये तुम्हें मेरी याद है। मेरी हर खुशी से रहने लगी, अब हर घड़ी ये बेबसी जिंदगी। खो गए हैं सपने न जाने क्यों, हो गए हैं अपने बेगाने क्यों। जानू ना मैं किस्मत ने की क्यों बेरुखी, सोचा ना था भाभी। मैंने अम्मी के मोबाइल से मोहसिन को फोन किया था, वो कब से आपको कॉल कर रहा है लेकिन आपने फोन नहीं उठाया। मोहसिन नहीं आ रहा। वो आज नहीं आएंगे, वो अब कल ही आएंगे। एक्चुअली उसके डैड को कोई काम पड़ गया था। और ये बाहर अम्मी क्या कर रही, कामिल भाई का रिश्ता कर रही और आप यहाँ खड़ी हैं। भाभी चलिए मेरे साथ, अम्मी से लड़िए, भगाइए उन रिश्ते वालों को। तो खुद से भी लड़ने की हिम्मत नहीं है सोया। ये सब आपके साथ इसलिए हो रहा है ना क्योंकि आपने मेरे लिए आवाज उठाई है। ये सब मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अपनी मोहब्बत पर अंधा यकीन किया। हेलो कामिल भाई, कामिल भाई प्लीज जल्दी से घर आ जाएं, रूमी भाभी बहुत रो रही है और अम्मी ने, आपने अच्छा नहीं किया अम्मी रूमी भाभी के साथ। क्या कर रही हो तुम रूमी? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो तुम? वही जो आप और आपकी अम्मी चाहते हैं। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब जा रही हूँ मैं इस घर से। क्या पागलपन है रूमी? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कुछ बताओगी कि नहीं? अनजान मत बने आप। अगर यही सब करना था तो अपनी मोहब्बत के झूठे दावे क्यों करते थे? एक मैं ही बेवकूफ थी जो आपके फरेब में आके कहां से कहां आ गई, और आप एक औलाद ना दे सकी आपको तो आपने दूसरी शादी के बारे में सोच लिया। ये क्या कह रही हो तुम? मैं दूसरी शादी? अनजान मत बने। आपकी इजाजत के बगैर आपकी माँ आपके लिए दूसरा रिश्ता कैसे ढूंढ सकती है? बस काम है, बहुत हो गया, मैंने बहुत कुर्बानियां दे दी लेकिन अब और नहीं, जा रही मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए। तुम कहीं नहीं जा रही। मैं कसम खा के कहता हूँ मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो जोया की कॉलोनी में दौड़ा चलाया, मुझे क्या पता था मैं ये तमाशा लगा के बैठी। अरे यकीन करो अम्मी जो कुछ कर रही है इसमें मेरा कोई दखल नहीं, उन्होंने तो मुझसे कोई रिश्ते तक की बात नहीं की। आप पर मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। तो चलो मेरे साथ। हाथ छोड़े मेरा। ये हाथ छोड़ते जिंदगी भर पछताना नहीं चाहता मैं। कामिल। हाँ लोग तो अच्छे हैं, देखो क्या जवाब देती। डोंट फ्री आंटी, उनका जवाब हाँ में ही आएगा। ये क्या तमाशा है? रूमी बता रही है मेरी दूसरी शादी करवानी है, वो भी बिना मेरी रजामंदी के। हाँ रिश्ता ढूंढ रही हूँ, और तुम्हारी रजामंदी लेने में टाइम क्यों जाया कर? तुम्हें भी औलाद चाहिए ना, बोलो अपना खून अपना वारिस चाहिए ना तुम्हें, जो ये तुम्हें नहीं दे सकती। और हानिया को भी तुमने दिल से कबूल नहीं किया इसलिए तुम्हारी दूसरी शादी करना जरूरी हो गया है। लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा।
जज्बात से नहीं अक्ल से काम लो। हमने बहुत अमीर और पढ़ी लिखी लड़की देखी है तुम्हारे लिए। तुम खुदा के लिए बस करे तमाशा अम्मी। मैंने कहा ना मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं रूमी की मोहब्बत और उसका हक वो हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकता। माना मैं चाहकर भी हानिया को उतना प्यार नहीं कर पाया जिसकी वो हकदार है। लेकिन चाहे मेरी औलाद हो या ना हो मैं रूमी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इसने तो मेरी खातिर अपना अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इस घर में आई। आपकी मुसलसल हठधर्मी आपका नफरत सहती रही है सिर्फ मेरे लिए अम्मी। और आप चाहती हैं मैं इतनी वफाशवार बीवी पे एक और अजाब तोड़ दूं? नहीं अम्मी, जज्बात का अंधा जरूर हूं लेकिन दिल का नहीं। आज तक आपकी हर बात आंखें बंद करके तस्लीम करता आया हूं। लेकिन अब जो आप करना चाह रही थी इस पे तो औरत होते हुए शर्म आनी चाहिए आपको। अपनी जबान को लगाम दो, मां हूं तुम्हारी मैं। मां, अगर आपके सीने में मां का दिल होता ना तो आप रूमी की तकलीफ उसका दुख समझने में कभी गलती ना करती। अरे इसकी अजमत समझने के लिए तो इतना काफी है कि एक सड़क से उठा के अनजान बच्ची को सीने से लगाया इसने। और आप तो अपनी बेटी की खुशियां छीनने के दर पर हैं। ताल के लिए होश करें अपनी, इंसान को इंसान समझे। बहुत पछताना पड़ेगा आपको। और महम आप इस घर में बहू बनकर आई हैं तो बहू बनकर रहें। अम्मी की सियासत का हिस्सा ना बने तो बेहतर होगा आपके लिए। और एक और बात, अगर अब भी आपने रूमी को तस्लीम ना किया ना तो मैं इसके साथ ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। इसी दिन का डर था मुझे। लेकिन आप तो और तुम्हें मैंने सख्ती से मना किया था ना कि इस घर के किसी भी मामले में दखल अंदाजी मत करना, तो फिर ये सब क्या था? अंजुम, मैं तो सिर्फ काश मैं आपकी बातों में ना आई होती। इस तरह जलील ना होना पड़ता मुझे हर एक के सामने। चुप हो जाओ। रहने दे, सब रख दूंगी बाद में। मैं कर रहा हूं। आपको लगता है मैं फिर से चले जाऊंगी? हाँ, तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है रूमी। अपनी खुशियों के लिए झूठ बोलता रहा हूं तुमसे, लेकिन आप जो कुछ बोला है रूमी सब सच बोला है मैंने। तुम्हारा दिल तोड़ के अपना घर बसाने की हिम्मत नहीं है मुझे। तुम्हें तो मुझ पर यकीन है। हरी खामोशी कुछ और कह रही है। शायद ये मेरी ही गलती है कि आज मैं तुमसे सच बोल रहा हूं लेकिन तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं। आपकी हर बात आंखें बंद करके तस्लीम करता है। लेकिन अब जो आप करना चाह रही थी इस पे तो औरत होते हुए शर्म आनी चाहिए आपको। अपनी जबान को लगाम दो, मां हूं तुम्हारी मैं। अगर अब भी आपने रूमी को तस्लीम ना किया ना
तो मैं इसके साथ ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। आपके सीने में मां का दिल होता ना, आप रूमी की तकलीफ उसका दुख समझने में कभी गलती ना करती। अरे इसकी अजमत समझने के लिए तो इतना काफी है कि एक सड़क से उठा के अनजान बच्ची को सीने से लगाया है इसने, और आप अगर अब भी आपने रूमी को तस्लीम ना किया ना, मैं इसके साथ ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। कामिल, उठ जाए, आपकी जगह यहां नहीं वहां है। मेरी नाराजगी जायज है मां, तुमने काम ही ऐसा किया, तुम्हें जरूरत क्या थी अम्मी की मदद करने की? इसलिए कि मुझसे आपकी अम्मी ने हेल्प मांगी थी। वाह, और तुमने हेल्प कर दी। तुम्हें दूसरों की हेल्प करने का कब से शौक हो गया, वो भी स्पेशली किसी का घर तोड़ने के लिए? इस बात पे तो तुम्हें गोल्ड मेडल मिलना चाहिए मां। इनफ अंजुम, बहुत हो गया। कल रात से तुम मुझे बातें सुना रहे हो जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। गुनाह नहीं, लेकिन तुमने जुर्म जरूर किया मां, और स्पेशली तब जबकि तुम्हें पता था कि अम्मी भाभी को लाइक नहीं करती, फिर भी तुमने उनकी मदद की स्वतंत्र लाने के लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की इस तरह की घटिया हरकत भी कर सकती। मैं भी रुमैसा की दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो आंटी की हेल्प सिर्फ इसलिए कर रही थी कि उनका दिल मेरी तरफ से साफ हो। तो तुमने खुद को अच्छा साबित करने के लिए भाभी का घर बर्बाद करने का सोच लिया। वाह मामा, वाह, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी अकलमंदी पर। मैंने जो किया वो कामिल के सुख के लिए किया, लेकिन अगर वो खुद रूमीसा के लिए कुर्बानी का बकरा बनना चाहते तो शौक से बने। मेरे बाप की तौबा जो अब उसके किसी मामले में बोलूं तो। और माहम, उसको क्यों मुलविस किया आपने? वैसे तो आपको बड़ा प्रॉब्लम है उसके इकदामात से, लेकिन जब रूमी भाभी पर स्वतंत्र लाने की बात आई तो आपने उसी को अपने साथ मिला लिया। वाह अम्मी, वैसे आपको तो मुल्क की सियासत ज्वाइन कर लेनी चाहिए अम्मी, क्योंकि घर का तो भला नहीं हुआ, शायद मुल्क का कुछ हो जाए। बकवास मत करो, देख रही हूँ शादी के बाद तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी। आज तुम्हारे बाप जिंदा होता ना तो देख लेती तुम लोग को। अपनी मनमानियां करके सारे घर का तहस नहस कर दिया है तुम लोगों ने। I'm really sorry भाभी, महाम की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा। खुद को कसूरवार मत समझो अंजुम, और मुझे तो माहम से भी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अब आप बेफिक्र हैं भाभी, इस घर में आपके और हानिया के खिलाफ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
आज तुमने मेरा इंतजार किए बगैर ही नाश्ता शुरू कर दिया। हाँ अंजन तुमसे नाराज है ना? जाहिर है उसकी चहेती भाभी के साथ इतना बुरा सलूक जो किया था मैंने। अंजुम कब तक मुझसे यूं नाराज रहोगे? तुम्हें पता है ना तुम मुझसे नाराज होते मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा सुनो आइंदा कभी ये गलती नहीं हो प्लीज अब मान जाओ। सॉरी ना बाबा बस करो अंजुम। मैं हम तुम जब तक भाभी से माफी नहीं मांगूंगी मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। आर यू सीरियस? आई एम नॉट किडिंग महम। नेवर मैं उससे कभी भी माफी नहीं मांगूंगी। ओफो मम्मी अब आप तो रोना बंद करें ना। आप इस तरह से रोती रहेंगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा। अरे रो नहीं तो क्या करूं मेरी अपनी औलाद मेरे खिलाफ हो गई सब ताने दे रहे हैं मुझे अकेली पड़ गई हूँ मैं। तुम्हारे बाप के मरने के बाद क्या कुछ नहीं किया मैंने मगर सब फरामोश कर गए खुद गर्ज बन गए इस उम्र में मुझे खून के आंसू रुला रहे हैं। अम्मी आप माने या ना माने ये सब आपकी ढील का नतीजा है। यही आपने जोया कामिल और अंजुम की लगामें खींच के रखी होती ना तो आज ये दिन ही ना देखना पड़ता आपको। अरे तो मैं क्या बुरा कर रही थी कामिल की दूसरी शादी तो करवा रही थी मगर वो तो हत्ते से उखड़ गया गिर-गिर की तरह रंग बदल दिया कमबख्त ने। वो कहता है अगर रूमी को तंग किया ना तो वो उसके साथ घर छोड़कर चला जाएगा। अम्मी आपको चाहिए था कि आप रूमी को एतमाद में लेती कामिल की दूसरी शादी की उससे बात करती ताकि ऐसा होता ही ना। आप भी तो कामिल से मशवरा किए बगैर उसकी दूसरी शादी के लिए रिश्ते देखने निकल पड़ी। जाहिर है अम्मी उसको गुस्सा तो आना ही था ना। ये भी कमबख्त उनके साथ मिली कोई बात ही नहीं सुनती मेरी कोई मेरा साथ नहीं देता। खबरदार शगुफ्ता जो तुमने मेरी बेटी की सौकन लाने का सोचा भी तो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मैं क्यों ऐसा करूंगी तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। अच्छा तुम्हारी बेटी ने सब कुछ उगल दिया है मेरे साथ। थोड़े दिन के लिए मैं अपनी बच्ची से दूर क्या रही तुमने अपने आप को उसकी तकदीर का मालिक ही समझ लिया। तुम्हारे जैसी सासें होती हैं शगुफ्ता जो अपने हाथों से अपने बच्चों के घर बर्बाद करती हैं और फिर सारे का सारा इल्जाम तकदीर पर डालती हैं। तुम ये भी भूल गई कि तुम्हारी बेटी मेरे घर में मेरी बहू है। मैं अगर चाहती ना अभी इसी वक्त असद से कह के उसे तलाक दिलवाती और तुम्हारे पास यहां भेज देती। बताओ दिलवा दूं उसे तलाक भेज दूं उसे तुम्हारे घर बन जाऊं तुम्हारे जैसी सास। नहीं नहीं नाला खुदा के वास्ते ऐसा जुल्म मत करना मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं मेरे किए की सजा मेरी बेटी को मत देना। तो फिर इंसान को उतने ही जुल्म करने चाहिए ना शगुफ्ता जितने वो खुद सह सके। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ शगुफ्ता तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ खौफ करो खुदा का डरो उस वक्त से जब तुम्हारी सारी औलाद तुम्हें छोड़ के चली जाएगी और तुम अकेली रह जाओगी और पछतावे के सिवा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा। है कमल रूमी 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 हम्मी रूमी हम्मी बस घर तो मेरी जान तुम्हारी मार दे मुझे माफ कर देना शगुफ्ता ने तुम्हें इतना सताया और तुम खामोशी से सब कुछ सहती रही। हमें पापा हमेशा कहते थे कि मैदान चाहे क्रिकेट का हो या जिंदगी का
भागना नहीं चाहिए, आखिर तक लड़ना चाहिए। और आप कहती थी ना कि क्रिकेट मेरी किसी काम नहीं है की। देखें मेरे कितने काम आए हैं, मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। तुमने इतना कुछ सहा और मैं तुम्हारी मदद को भी नहीं आ सकी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं। आपकी दुआओं का साया हमेशा मेरे सर पर सलामत था। जब ही तो हर मुश्किल मुझ तक आते आते आसान हो जाती थी मेरी जान। चाय। इसकी क्या जरूरत थी बेटा, तुम लोगों से मिलने आई थी मैं तो। ओ जी ओ जी ओ जी, बड़ी हो रही है ना आनिया, तंग तो नहीं करती तुम्हें? नहीं, लेकिन जब मैं इसके पास नहीं होती तो रो रो के आसमान सर पे उठा लेती है, और अब तो मुझे भी इसकी बहुत आदत हो गई है। अल्लाह तुम दोनों के नसीब अच्छे करे बस। आमीन आमीन। आप चाय पिए, इसे मुझे दे देना है। हाँ। अच्छा अच्छा। ऐसी कैसी कुदरत है ना अल्लाह की, उसने पहले ही तुम्हारी गोदानिया से भर दी, लेकिन तुमने मायूस बिल्कुल भी नहीं होना। अल्लाह तुम्हें अपनी औलाद भी जरूर देगा इंशाल्लाह। मैं मायूस नहीं हूँ, लेकिन अब दुनिया के सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं तो इस बात पे खुश हूँ कि हानिया ने मेरी फैमिली मुकम्मल कर रखी है। मैं भी कितनी नादान थी ना, तुम्हारा दर्द जाने बगैर, समझे बगैर अपने आप को तुमसे दूर रखा मैंने। कोई बात नहीं अम्मी, वैसे भी बाबा कहते थे ना कि इंसान को माजी में नहीं हाल में जीना चाहिए, तो बस आप भूल जाए वो सारी बातें। मेरे लिए यही बहुत है कि आप मेरे साथ हैं। खुश रहो हमेशा। आमीन। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? तो मैंने कहा था मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आई हूँ, इसलिए कि पहली दफा हमारी मुलाकात यहीं हुई थी। आज मैंने तुम्हें नाराज देखा तो सोचा कि तुम्हारी नाराजगी यहीं दूर की जाए। वैसे तुम रूठे रूठे बहुत अच्छे लगते हो। कॉफी पियो। कम ऑन अंजुम, बस भी करो यार, कितनी देर तक मुंह फुला के बैठे रहोगे? ठीक है, अब मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। तुम्हें नाराज होने का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि गलती की है तुमने। तो तुम अब भी इस इश्यू को खत्म नहीं करना चाहते? तुमने भाभी का दिल दुखाया मां, और अब ये इश्यू तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम उनसे माफी नहीं मांगोगी। क्या बात है, क्या कहना चाहते हो तुम? मैंने आप लोगों को एक जरूरी बात बतानी है। अंजुमन माम घर पर नहीं है, इसलिए बाद में बात कर लूंगा उनसे। कामिल आखिर बात क्या है, बताएं तो सही। मैं अभी मोहसिन की फैमिली से मिलकर, उनको जोया के रिश्ते से कोई इतराज नहीं है, लेकिन चूंकि अम्मी को इस रिश्ते पे इतराज है, इसलिए बड़ा भाई होने के नाते मैंने जोया का रिश्ता तय कर। वो लोग फिलहाल मंगनी करना चाहते, इसलिए आप बता दें मंगनी की तकलीफ कहाँ रखें? जब सब खुद ही तय कर कर आए तो ये भी खुद ही तय कर लो, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? भाई मम्मी अभी तक नहीं मानी। तो मम्मी की परवाह ना करो, अब हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगेगा। थैंक्स भाई। जीते रहो। थैंक्स भाभी।
अम्मी आप सच कह रही हैं? कसम से अम्मी, मुझे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि आप वाकई रोमी से मिलने गई थी। जितना संग दिल तुम मुझे समझते हो ना सर, मैं उतनी संग दिल नहीं हूं बेटा। वैसे भी बेटियां माओ से जितनी नाराज हो या माएं बेटियों से जितनी नाराज हो, हकीकत तो ये है कि दोनों के दिल एक दूसरे के लिए हमेशा जुड़े रहते। जब मैं रूमी से मिलने गई ना असद, भाग के उसने मुझे गले लगा लिया। उसने तो नाराजगी का शिकवा तक नहीं किया मुझसे। बड़ी सब्र वाली बच्ची है मेरी। तरस करती, तरस करती वो बेचारी आपके प्यार के लिए। अल्लाह का शुक्र है कि परेशान हो गया था कि ये सब कहां जाके थमे। अब तो तुम खुश हो ना? अभी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। खाना लग गया आंटी। अच्छा मैं हाथ धो गया था। मैंने असद को कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया है कि मैं रूमी से अपनी नाराजगी दूर करने के लिए गई थी तुम्हारे मेके। वजह उसकी सिर्फ इतनी है कि मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के रिश्ते में कोई दरार पड़े। हाँ, काफी दिन से कमरे में उदासी थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना फिजा में खुशियों की खुशबू बखेरी जाए। अच्छा क्या ऐसे कामिल, जोहर का रिश्ता तय करके आपने बहुत अच्छा किया। थैंक यू। इसमें थैंक्स की क्या बात है? जिस तरह वो तुम्हारी चाहती है, इस तरह मेरी लाडली भी तो है ना। और वैसे भी बड़ा भाई होने के नाते इतना फर्ज तो बनता है मेरा। और वैसे इसकी हिम्मत भी तुमसे मिली है मुझे। इनफैक्ट घर में जब भी कोई प्रॉब्लम हुई है ना, तुमने हर मसले को बहुत अच्छे से सॉल्व किया। मैं सिर्फ आपकी बीवी नहीं, इस घर की बहू भी। बस मुझे ऐसा लगता है आपको इतना बड़ा फैसला अकेले में नहीं करना चाहिए था। आप आंटी को भी राजी करें सिश्ते के लिए। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुम मम्मी के बारे में सोच रही हो? मेरे साथ वो चाहे जैसी भी हो, लेकिन जोया की तो माँ है ना। और बेटी जब भी किसी नए रिश्ते में बनती है तो उसे सबसे पहले अपनी माँ की दुआ की जरूरत पड़ती है। चलो तुम कहती हो तो मम्मी से बात करती हूँ। अब ऐसे क्या देख रहे हैं? अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा है मुझे कि मेरी तुम जैसी शरीक है हयात है। मैं मुना
साहब जी, आपका शक बिल्कुल सही निकला। ये गाड़ी इधर ही आसपास के इलाके में देखी गई है और सीसीटीवी फुटेज से भी कंफर्म हो गई है। जाहिर है तो इसी इलाके में रहता होगा ये भी खुद भी। आहो जी, ये सामने मैकेनिक है ना, इसकी वर्कशॉप में भी गाड़ी मरम्मत के लिए खड़ी रही है। गुड सर, बस आप अब घूम करें, मैकेनिक को छोड़े, मैं तो कहता हूँ सर उसको उठा लाते हैं। नहीं मुरीदे, अभी नहीं, वक्त आने पे। सर जी वैसे बात समझ नहीं आई, ये एक्सीडेंट की तफ्तीश काफी अरसे पहले बंद हो गई थी, पर अब आप इसकी तफ्तीश समझ नहीं आई। करना पड़ता है लले, बुढ़ापे से पहले अगर तरक्की पानी है ना, या तो केस की फाइल बंद कर दो या खोल दो। सही कह रहे हैं सर आप। अच्छा सर, मैं फिर मैकेनिक की तरफ चलता हूँ। ठीक। क्या तुम वाकई सच कह रही हो? मेरा मतलब है अम्मी ने वाकई कुछ नहीं कहा। कम ऑन भाई, मैं मजाक करूंगी। कामिल खुद लेकर गए थे तुम्हारा रिश्ता। हाँ भाभी, रूमी भाभी और कामिल भाई की वजह से ही आज मेरा रिश्ता तय हो पाया, वरना अम्मी को तो मेरी खुशी की परवाह ही नहीं। तो तुम्हारा मतलब है कि कामिल भाई के इस एग्जाम पर अम्मी ने कुछ कहा ही नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने रिएक्ट ना किया। अरे अम्मी तो बहुत गुस्सा हुई, मगर कामिल भाई ने कहा है कि अम्मी माने या ना माने वो मेरी मंगनी करवा कर ही रहेंगे। चलो, कोई तो है जो आंटी के फैसले को चैलेंज कर सकता है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू भाभी, मगर मैं अब भी चाहती हूँ कि हम अम्मी की रजामंदी के बगैर कोई कदम ना उठाएं। फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। मैमूना, तुमने माम को इन्फॉर्म कर दिया? नहीं मैडम, अभी करती हूँ। अच्छा ठहर जाओ, भी मत करना। Is everything all right, doctor? आपके लेफ्ट किडनी फेल होने का खतरा है। It's 30% working only। लेकिन हमारी भरपूर कोशिश होगी कि मेडिसिन के जरिए खतरा कम किया जा सके। मगर आप खुल के बात क्यों नहीं कर रहे? देखें, अगर खतरा कम ना हुआ तो किडनी फेल हो जाएगी और आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा।